दिवाली किसकी मनती है, किसकी बल्ले बल्ले होती है, ये अभी थोड़ा सा हमें और दिल थाम के बैठना पड़ेगा। चलिए, मैं एक बार हमारे साथ एक नई अतिथि भाजपा नेता अशोक सिंह जी और जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। मैं आपके पास ही पहला रिएक्शन लेना आना चाहूंगा। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में हम देख रहे हैं इस वक्त, हरियाणा में काफी फाइट में गुजरना पड़ रहा है बीजेपी को, लेकिन महाराष्ट्र में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही कि आप लोग सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका गठबंधन है 167 है, जबकि वहां पे 146 चाहिए, 145 सरकार बनाने के लिए, तो वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन हरियाणा में थोड़ी परेशानी में बीजेपी दिखाई दे रही है। देखो, जिस प्रकार से योगेंद्र जी आपने सही कहा कि महाराष्ट्र के अंदर तो 98 के लगभग बीजेपी आगे चल रही है, शिवसेना तो 67 के लगभग आगे, इसको प्रारंभिक जो रुझान है उसमें चल रही है। जहां तक बात आती है हरियाणा की, बात आती है हरियाणा के अंदर बीजेपी का 38 के लगभग या 40 के लगभग ये इसका आंकड़ा चल रहा है, जिसमें 45 46 मैं के एक बार लगभग रोकना चाहूंगा आपको अशोक जी। इस वक्त एक बड़ी खबर सरदार शहर चूरू से है, जहां भाजपा नेता भीम सारंग को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। कुछ दिन पहले भी उन पर इस तरह का हमला हुआ था, और वहां जनता में, भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। उनकी बॉडी को अस्पताल भेजा गया था, लेकिन वहां कार्यकर्ता अभी समझाइश की कोशिश कर रहा है। अब मामला कैसा है और क्या सामने आ रहा है, इसको लेकर के गजेंद्र हमारे साथ में जुड़े हैं। जी गजेंद्र, सरदार शहर में अभी अगर हालात की बात करें, भीम सारण की हत्या के बाद किस तरह की स्थिति है अभी वहां पे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस समय काफी काफी पर्यटनपूर्ण है, यहाँ पे काफी तनाव है। पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से मौजूद है, यहाँ पे बड़ी संख्या पुलिस प्रशासन अस्पताल के सुबह सुबह की घटना, हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए भाजपा नेता की हत्या कर दी। इससे पहले भी जो भीम सारण के ऊपर कई बार हमले हो चुके थे, भीम सारण ने शायद पुलिस से वार्ड लगाई थी, सुरक्षा के लिए पुलिस पर सुरक्षा नहीं दी गई, और आज इसका नतीजा रहा कि गजेंद्र एक सवाल है मेरा, आप कह रहे हैं कि भीम पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं, कोई आपसे रंजिश लगती है या फिर कोई पॉलिटिकल मतभेद था, वजह क्या है इसके हमले की, और इसके बाद में उनकी जान ही ले ली गई है गोली मार करके, कुछ वजह सामने आ रही है? एक स्थानीय गैंगस्टर है दिलीप कुलड़िया, उसके द्वारा पहले बताया जा रहा है कि हमले कई बार किए गए, दो बार हमले किए गए, दोनों बार वो बच गए, लेकिन आज जब हमला हुआ तो ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, तो सूत्रों के अनुसार कम से कम 15 राउंड फायरिंग हुई, पूरी तरह से गाड़ी जो है उसके अंदर भी गोलियों से तो खड़े वो आर पार नजर आ रहे थे, और नौजवान वहां से भी ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई। जो गाँव के अंदर वो सरपंच पटनी दी उनकी जो भाभी है वो है भुकलसर गाँव से, और वहां के पूरा काम जो है वो भीम सारंग ही देखते हैं उनका, और ये दुकान से बना उनका उसके भी काफी करीबी है भीम सारण। और इसी दौरान सुबह जब वो काम देखने गए थे तो वहां पर सुबह सुबह गांव बुकल सर के अंदर उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही भाजपा नेताओं में काफी आक्रोश है, प्रधान सचिव है सारण नगर पालिका उपाध्यक्ष सहित बड़े नेता भाजपा के मौजूद है, वही काफी संख्या में जो दाट समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। बड़ा सवाल ये आता है यहाँ पे कि जो मेरा सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूँ, दर्शक जानना चाहते हैं कि भीम की किसी से रंजिश थी जिसकी वजह से उन्हें पहले भी हमले हुए, और आप बता रहे हैं कि 15 राउंड फायर किए गए हैं, पूरी गाड़ी को भी एक तरह से तोड़ दिया गया है, तो काफी ये लोग बदले की भावना से उनपे हमला किया, कोई रंजिश थी इनके बीच? मैं बता दूं आपको, प्रथम दृष्टि जो है वो यही लग रहा है कि रंजित के चलते हत्या की गई, बाकी अभी कुछ साफ नहीं हो पाया, पुलिस भी अभी कुछ भी कहने से बच रही है। पहले भी हालांकि दो बार हमले हुए थे, भीम सारण ने ग्वार भी लगाई थी पुलिस के अंदर। मैं लौटूंगा आपके पास में, और कोई अपडेट हो तो आप जरूर हमारे तक पहुंचाते रहिए। तो ये थे सरदार शहर से हमारे सहयोगी गजेंद्र सिंह। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।